नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कटनी में देश को प्रदूषण मुक्त एवं स्वस्थ रखने का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए दो युवकों ने साइकिल से नागपुर से नेपाल तक की यात्रा शुरू की। नागपुर से नेपाल की यात्रा कर रहे दोनों युवकों में कटनी के रास्ते से गुजरने पर दोनों युवकों ने मिशन चौक में शहर के युवाओं को भी यह संदेश दिया कि वह पर्यावरण को कायम रखने के लिए अधिक से अधिक जगहों पर पेड़ लगाने और प्रदूषण से बचने के लिए साइकिल चलाने की अपील की। साइकिल चलाने से जहां पर ईंधन की खपत कम होगी, प्रदूषण कम होगा और आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। मिशन चौक पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत एवं अरविंद जायसवाल ने दोनों युवाओं का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। जगत न्यूज 24 से राजेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। नेपाल से काठमांडू से पशुपतिनाथ मंदिर, वापसी में अयोध्या, और हमारा उद्देश्य यह है नेचर को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का। कितने दिनों की यात्रा है आपकी? हमारा तो एक महीने का पूरा यात्रा है। नेपाल में जाके हम लोग वहाँ के जो राजा है, जो मैंने आम की कुटली दिया था हमारे इंडिया की कुटली में, वहाँ के राजाओं को देने वालों की, ये हमारा इंडिया का फल है, इसे आप अपनी कंट्री में लगाइए। नेपाल भी एक कंट्री है, पर नेपाल और भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है हमारा। देशवासियों के लिए क्या संदेश है आपका? देशवासियों के लिए संदेश यही है कि पर्यावरण को बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ईंधन का इस्तेमाल ना करें, साइकिल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऑक्सीजन भी बना रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और गाड़ी ज़्यादा चलेगी, इससे प्रदूषण भी कम होगा, फिटनेस भी अच्छा रहेगा। बस यही हमारा संदेश सभी देशवासियों के। थैंक यू। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।